आपके लिए समंदर इतना गहरा है जिसका कोई किनारा नहीं। से क्या मोटरसाइकिल ले गया। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं बर्थडे बॉय के पास और कौन खड़ी, कोई नहीं है, हमें नहीं है, किसी और को है। तो उसामा भाई आ रहे हैं, मैंने उसे कहा है कि बाइक ले आओ और हम वहाँ जा के फिर मिलते हैं। आप वीडियो देखें, इंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर। हैं, तेरी बाहों में। What the fuck? Guys, काफ़ी अर्से के बाद हम व्लॉग शूट करने जा रहे हैं और टाइम नहीं था मेरे पास, मैं थोड़ा बिजी बंदा हो गया इसलिए। तो आ रहे हैं उसामा भाई, हम आपको दिखाते हैं, आप वीडियो देखें, इंजॉय करें। फाइनली आधा घंटा वेट करके आ ही गया भाई, तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सही, बर्थडे बॉय सही, ये बता। तो फाद भाई, आप मुझे ये बताएं कि कैसे गुजरी आपकी बर्थडे। बस माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। फ्रेंड्स तो वैसे 30 कहे थे लेकिन 18-20 यहाँ पे पहुँचे हैं। टाइम नहीं होगा ना, बहाना बना लिया है। हाँ टाइम नहीं है, हमारी दादी मरने वाली है, नानी मरने वाली है, सारी गांव भी बाहर है, लेकिन मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा जो मसला था फिर बताते ना मुझे पहले। अच्छा, मैं को ब्लॉक करने के लिए क्या वजह? क्योंकि आपका, आपने बताया था अपना मसला पहले ही मुझे। हाँ ये बात, क्योंकि आपकी आशिकी मशूकी का मसला चल रहा है। समझ रहा आप? अब उन्हें अनब्लॉक कब करना है? अनब्लॉक अब अगले साल मुमकिन है। अगले साल मैंने उन्हें SMS कर दिया है, आज के बाद ना मुलाकात होगी और ना ही कोई सलाम गया। मैंने कहा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और रास्ते में अगर कहीं मिल गए तो मैं उन्हें चप्पल उतार के मारूंगा। तुमसे ना हो पाएगा। आज वैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और लेकिन अभी तक मैंने इसका फेस नहीं देखा, क्या बता खुश रहा हो। क्योंकि अगर मुझे यही खुश रही मिलते रहते हैं, पता नहीं क्या मजा। वेल डन, सलाम दुआ से ना वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ऐसा नटवार के रहा मुल्तानी वाला है ना। आय हाय हाय, बस ना पूछो। फाइनली गाइस, अब हम आए हैं कहां पे? ये हम आए हुए हैं चौक मसा कोठा। चौक मसा कोठा में, और ये भाई कह रहे हैं कि हम आपको चिप्स खिलाएंगे, इरादा इनका बना हुआ है, क्योंकि कह रहे हैं कि रात को मैंने केक नहीं खिलाया और ये आप क्या खिलाएंगे? हीड़ा हुआ केक। मारो मुझे। असन भाई ये क्या था? ये वही है जिनकी हम तारीफ किया करते थे, तो अब क्या? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? असन भाई आपको एक बात बता दूं, अगर मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, इन मिट्टी के खिलौने से कभी वफा नहीं मिलती। गदियो डाबा से डाबा से गदियो अल्लाह तो मोहब्बत अल्लाह नाल करो, इन मिट्टी के खिलौने नाल कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरे प्यार भाई अफन के लिए कि शायर तो वो होता है जो शायरी बयां करता है, सोनिया शायर तो वो होता है जो शायरी बयां करता है, हम तो सिर्फ दर्द बयां करते हैं। आपके लिए समंदर इतना गहरा है जिसका कोई किनारा नहीं, कसम उठा के तो आपसे कोई प्यारा नहीं। ए, तो क्या ले रहे हैं आप? हम चिप्स, ये देखो 100 रुपए हैं, 50 के ऊपर वाले। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा ना चाहेंगे इसके बारे में। ये शायर शायरी बनाता है, ये बहुत ही प्यारी शायर शायरी। हाँ ये इतनी प्यारी शायर शायरी करता है, जैसे ये हो गई शायर जो सिर्फ शायरी बयान करते हैं, हम तो सिर्फ हजार से बयान करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मैं ऐसा नरबाग कल यार, मैं इस असमन अल्लाह बचाए को छोड़ के जा रहा हूँ, कल मैं भापुर जा रहा हूँ पक्का पक्का। तो असमन भाई रो रहे हैं, रो तो दिखा। मैं अमिया जब ये जाएगा फिर क्या करेंगे हम पीछे?
बहुत इंजॉय करेंगे। नहीं तो फाइनली गाइस हमने बहुत इंजॉय कर लिया, घूम लिया, खा लिया, पी लिया। तो फाद भाई सॉरी मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, और आप इट्स ओके नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, दोबारा आओगे तो फिर लेते आना। अरे ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम, गोदा से मादा बना था भाजी वाला, भाजी पाके था खा के। ओ फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर, ये बहुत खुश हैं क्योंकि ये भावलपुर जा रहे हैं, इसलिए वाइफ पता नहीं अब जिंदगी रही तो मिलेंगे, फिर नहीं तो फिर जा रहे हैं हम। ठीक है यार, कल ना मैं एक लाइव में आया बैठा था स्नैक पे, मुझे मैं ना ऐसे हाथ रहा था, मुझे क्या पता था कोई मेरा मेरी लाइव कितने बंदे देख रहे हैं, मैं ऐसे हाथ रहा था, डिम्पल आ रहे थे, तो एक लड़की बोली मुझे कहती है डिम्पल बॉय, मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा डिम्पल बॉय कब से हो गया मैं। फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे बाल हुए खड़े हैं ख़राब, एक हफ़्ता हो गया मैं नहाया नहीं हूं क्योंकि सर्दी थी, और उसके बाद वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गीज़र है, गर्म पानी वाले सब चीज़ें, लेकिन बस दिल नहीं करता नहाने का, बस ऐसे ठंडा ठंड लगती है, तो इसी वजह से देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखा इसी वजह से ना मैं नहाया नहीं हूँ, बाल ख़राब हुए खड़े हैं, तो आप दुआ करें कि मेरे बाल भी जल्दी से ठीक हो जाएं, और मेरे लिए दुआ किया करें गाइस, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द बहुत 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 बस इतना सा रहेगा, इतना सा रहेगा, ये जल्दी पूरा कर दें, और बहुत जल्द मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ गाइस, और आपकी दुआओं का नतीजा है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, तो हम उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, इस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।